Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students, viewers and spectators. Welcome to Professor Ghulam Hussain Bhatti Chemistry Channel. Now the topic of today's presentation is Boyle's Law, Chapter Number 3, First Year Chemistry. Dear students, now Boyle's Law was given by Robert Boyle in 1661. What is the statement of Boyle's Law? Dear students, the volume of a given mass of a gas is inversely proportional to the pressure. When temperature is kept constant, this is the statement of Boyle's Law. Its mathematical form is that volume is inversely proportional to 1 over P. And if we remove the sign of proportionality and put a constant K, then V is equal to K over P. Now, if we multiply P with V, then PV is equal to K, and K is called constant of proportionality. Now, dear students, what is the second definition of Boyle's Law? Now, this is the PV is equal to K, product of pressure and volume. PV is equal to K, the product of pressure and volume of fixed amount of a gas at constant temperature is a constant quantity. This is the second definition of Boyle's Law, that is PV is equal to K, and if we put initial volume of the gas P V1, final initial pressure of the volume is P1, then it is equal to K, and final volume is V2 and final pressure is P2. This is also equal to K, and hence we can say that P1 V1 is equal to P2 V2. We will prove it mathematically. Now there is a short question. Give two statements of Boyle's Law. Dear students, we will verify it with experiment. Now, the experimental verification of Boyle's Law. Now, let us take a gas cylinder having movable piston. Cylinder is attached with a manometer to read the pressure of the gas directly at 0 degree Celsius. Yani, ye jo movable piston hai, iske saath manometer attached hota hai. और मैनोमीटर की मदद से हम गैस का प्रेशर मेजर कर सकते हैं, और ये जो गैस हम भरेंगे सिलेंडर के अंदर फिल करेंगे, ये भी गैस की अमाउंट भी कांस्टेंट होगी और गैस का टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए. नाउ दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ. यू मे सी दैट अब हमारे पास ये फिगर है. पहली फिगर में देखें, इसमें ये मैनोमीटर लगा हुआ है, ये मूवेबल पिस्टन है और ये सिलेंडर है. इसमें फिगर सी के अंदर जो है वो देखें कि हमने इसके ऊपर प्रेशर कम लगाया हुआ है, तो गैस का वॉल्यूम जो है वो ज्यादा है. वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. अब देखें, अब इसमें गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर हैं, और अब सेकेंड फिगर में देखें, अब हमने प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा लगाया, तो गैस के मालिक देखें यहाँ पर प्रेशर 0.5 है, और यहाँ पर जो है इसकी नीडल देखें 0.5 मैनोमीटर पर आ रही है. अब इसमें देखें हमने प्रेशर ज्यादा लगाया, तो नीडल देखें 180 प्रेशर इसका आ गया. इसमें प्रेशर कितना था 1/2, और इसका वॉल्यूम कितना था 2, सपोज दैट 2 क्यूबिक सेंटीमीटर. अब इसमें देखें कि हमने प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा किया, प्रेशर जो है 180 पर आ गया, और इसका वॉल्यूम जो है 1 dm³ जो है वॉल्यूम भी इसका कम हो गया. यानी ये देखिए इसका वॉल्यूम ज्यादा, इसका वॉल्यूम कम, इसका वॉल्यूम कम होकर 1 dm³ हो गया. नाउ तीसरे में देखें हमने इसका प्रेशर मजीद इंक्रीज करके 2 atm कर दिया, उसका वॉल्यूम जो है फर्दर डिक्रीज हो गया. ये देखें ये बड़ा है, ये कम हो गया, और 1/2 cm³ हो गया. तो अब हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे इनकी वैल्यूज को, और इसको P1V1 is equal to P2V2 is equal to P3V3 हम करेंगे. अब ये देखें
suppose the initial values P1 is equal to 2 atm and V1 1 dm cube. अब देखें प्रेशर 1 जो है, अब ये जो हमारे पास जो है फर्ज करें हमारे पास जो है प्रेशर जो है वो कितना है 2 atm और वॉल्यूम कितना है 1 dm cube. अब इसमें क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज पुट कर दें तो आंसर कितना निकलेगा 2 क्यूबिक डेसीमीटर एटीएम. नाउ अब क्या करें, दूसरे में देखें अब गैस का वॉल्यूम, गैस का जो है प्रेशर जो है वो डबल कर दें 4 एटीएम कर दें तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा. ये वैल्यूज पुट करें आंसर 2 ही निकलेगा. अब तीसरा देखें, इसका प्रेशर इंक्रीज करके 6 एटीएम कर दें इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा. तो इसकी वैल्यूज पुट करें तो इसका आंसर भी 2 ही आएगा. यानी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3 चूंकि ये तीनों 2 के इक्वल हैं देयरफॉर वी कैन पुट अ के. के इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हेंस डियर स्टूडेंट्स बॉयल्स लॉ इज वेरीफाइड. नाउ देयर इज अ शॉर्ट क्वेश्चन गिव द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ. तो आप ये इसकी मैथमेटिकल पोर्शन जो है ये सारा इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करेंगे देन इट्स ओके. अब नाउ डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक एनिमेशन है. अब ये देखें डियर स्टूडेंट्स ये लुक एट द फिगर. ये माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक एनिमेटेड वीडियो है. इस वीडियो में देखें ये हमारे पास एक सिलेंडर है और ये मूवेबल है. इसमें एक थर्मामीटर लगाया गया है. इस थर्मामीटर से हम इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे 300 केल्विन थ्रू आउट द वीडियो. और ये एक प्रेशर है, मैनोमीटर है, प्रेशर को मेजर करता है और ये इससे हम प्रेशर देखेंगे. अब हम इस पंप के जरिए इसके अंदर जो है गैस जो है वो डालेंगे. अब देखें गैस हम इसमें फिल करेंगे. ये देखें गैस इसके अंदर फिल हो गई. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स ये गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करेंगे जितनी इनके पास स्पेस है. अब देखें एक और इम्पोर्टेंट चीज देखें, इस वक्त गैस का जो प्रेशर है वो 9.2 एटीएम है. अब आगे देखें और इसका वॉल्यूम भी देख लें. नाउ अब आगे देखें डियर स्टूडेंट्स अब इसका वॉल्यूम जो है ये देखें अब क्या कर रहे हैं, इसका वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं. ये गैस का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज किया. अब वॉल्यूम अब देखें ये ध्यान से देखें कि पहले इसका वॉल्यूम जो है वो ज्यादा था और इसका प्रेशर कितना था 9.2. अब इसका प्रेशर जो है अगर हम ज्यादा करें, प्रेशर ज्यादा कम करेंगे, ऊपर जो है हम वेट रखेंगे इसको कंप्रेस करेंगे तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा. प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है. ये देखें 9.2 से इसका प्रेशर जो है वो कितना किया 16.1. तो देखें ये कंप्रेस हो गया, इसका वॉल्यूम जो है वो कम हो गया. ये देखें कंप्रेस किया, इसका वॉल्यूम जो है वो कम हो गया कर कितना हो गया डिक्रीज हो गया और इसका प्रेशर डबल हो गया. अब यही हम मैंने आपको बताना था इस एनिमेटेड वीडियो में कि वॉल्यूम एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. और देखें टेम्परेचर जो है वही कॉन्स्टेंट है 300 केल्विन और अमाउंट ऑफ द गैस वो भी क्वान्टिटी ऑफ द गैस वो भी फिक्स है. यही इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था. अब देखें अगेन इसका जो है वो प्रेशर कम किया, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और ये देखें दोबारा इसकी वैल्यू जो है प्रेशर जो है 7.6 पर चला गया. और यही इसका जो है वो मेन जो है पर्पस था जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर इफ अमाउंट ऑफ द गैस एंड टेम्परेचर इज केप्ट कॉन्स्टेंट. माय डियर स्टूडेंट्स होप दैट आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा. ये देखें वॉल्यूम अगेन कम कर दिया तो इसका देखें जब हम वॉल्यूम इसका मजीद कम करेंगे तो इसका प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा.
अब ये देखिए वॉल्यूम कम किया, प्रेशर अब कितना आ गया 12.2। अब ये देखिए ये इसका प्रेशर कम कर रहे हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, अब इसका प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। दिस इज द पर्पज ऑफ दिस एनिमेटेड वीडियो। आई होप दैट डियर स्टूडेंट्स आपको इस वीडियो से रिलेटेड जितनी भी कंसेप्ट थे, जितनी भी बातें थी, वो मैंने आपको जो है बड़े अच्छे तरीके के साथ बॉयल्स लॉ, इट्स मैथमेटिकल पोर्शन एंड इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ एनिमेटेड वीडियो, आई होप दैट योर कंसेप्ट्स हैव बीन क्लियर्ड। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो and subscribe my channel for more videos. Thank you.